हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अवैध मस्जिद को ढहाने को लेकर यहाँ पे नाराजगी जो है लोगों का वो देखने को मिल रहा है। कुल्लू से लेकर मनाली, मनाली से लेकर मंडी तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे लोग सड़कों पे उतरे हैं, उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दरअसल यहाँ पे जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते दिखाई दे रहे हैं और उनकी ओर से ये मांग है कि जो प्रशासन है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है। लिहाजा बीते कई दिनों के बाद आज भी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतर के इनकी ओर से बंद का आह्वान किया गया। ना सिर्फ बंद का आह्वान किया गया बल्कि यहाँ पर लोगों की ओर से विरोध जताया गया, हिमाचल का पाठ भी यहाँ पर किया गया, प्रदर्शन भी किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई। तो अवैध मस्जिद के निर्माण के विरोध में यहाँ पे जो लगातार लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है। शिमला में आक्रोश है, कुल्लू में प्रदर्शन किया जा रहा है, मंडी में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ गई है, जहां पे देखिए एक तस्वीर हिमाचल की है, हिमाचल के शिमला की है, तो ये दूसरी तस्वीर कुल्लू की है। हिमाचल में शिमला हो या फिर कुल्लू या फिर मंडी, कई इलाके कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे सड़कों पे हुंकार भरी जा रही है और अवैध निर्माण को लेकर के यहां पर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो लोगों का देखने को मिल रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि बीते कई दिनों से यहां पर नाराजगी जाहिर करने के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और इसी के चलते लोगों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो वही आज लोगों की ओर से बंद का आह्वान भी किया गया है। बंद का जो असर है वो कई इलाकों में देखने को भी मिल रहा है, तो कई इलाकों में इसका हल्का असर भी देखने को मिल रहा है। मंडी में इसका असर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कुल्लू चाहे शिमला, हर जगह बंद का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां पे रोजमर्रा के मुकाबले जो लोगों की आवाजाही है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, मार्केट भी कई जगह पे बंद दिखाई दे रही है। तो देखिए अवैध मस्जिद के खिलाफ किस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो लामबंद है, सड़कों पर है, हिमाचल बंद का आह्वान किया गया है। इस बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो शिमला से 50 किलोमीटर दूर है, सुन्नी वो जगह है जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है, यानी कितने और मामले सामने आना बाकी है ये बहुत अहम है। महिमा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शिमला के सुन्नी में इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और इन लोगों की मांग ये है कि जितने भी मस्जिद है उनको ढहाया जाए। लव जिहाद के केसेस भी यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले संजौली में हमारे कुछ विवाद हुआ था जिसमें हिंदू भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, तो आज हमने व्यापार मंडल सुन्नी की तरफ से बाज़ार बंद किया था उसके रोष में, और हमने जो है तहसीलदार महोदय को अपने ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ पे हिमाचल के बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जो है पुलिस वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, उन सब की डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक एक ही होती है, और जितने भी यूपी के और बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी होती है और सबकी फ़ोटो में 7-8 साल के बच्चों की फ़ोटो लगी होती है, तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दे देते हैं जिसके आधार पे वो गांव में घूमते हैं, व्यापार करते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो व्यापार के नाम पे क्या क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो मैंने सुना है लव जिहाद के केसेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ केस लव जिहाद के भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे जो है हिंदू नाम से रहते हैं, हिंदू नाम से काम करते हैं और हिंदू नाम से ही वो लड़कियों को जो है बहला फुसला के कुछ ना कुछ उनको घुमा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो इसका मुद्दा भी है। और मेनली मुद्दा यहाँ पे प्रवासी मजदूरों का है जो बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं और उनको रोका जाए, उसके लिए जो है उनकी जो उनका पैतृक गाँव है जहाँ के वो यूपी बिहार के है वहाँ से उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाए कि वो वहाँ के कोई क्राइम करके तो नहीं आए हैं और यहाँ पर बड़े आराम से रह रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जाए। और हमारा प्रशासन महोदय से भी यही हमने निवेदन किया कि वो इसकी पूरी तरह से जांच करें। एक तो जो यहाँ पे मस्जिद बनी है उसकी हमारे को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये मस्जिद जो है अवैध निर्माण है इसका, कि इसको जो है किसी ने जो है डोनेट की भी है, और कुछ दिनों से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों का जो है बोलबाला बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ स्थानीय उपप्रधान भी हूँ साथ में, और उस नाते जो मेरी पंचायत में भी जो है फेरी वाले और कुकर ठीक करने वाले प्रेशर कुकर बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि किसी एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से होते हैं और ना उनके पास आधार कार्ड होता है ना उनके पास वेरिफिकेशन होती है, और जब भी हम सुबह के समय में
बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी पहली बस जाती है तो वो पहली बस में यहाँ से शिमला जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो उनका जो स्टे है वो मस्जिद में है और हमारा उस मस्जिद में आना जाना बिल्कुल नहीं रहता। ये कह रहे हैं आपसी भाईचारा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने अगर अवैध निर्माण किया है या अतिक्रमण किया है तो फिर उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण भी नहीं हो, राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को बात करने की जरूरत है, ये मांग करते हुए यहाँ पर शिमला की जनता नजर आ रही। तो ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी कि हिमाचल के शिमला में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान यहां पे जो लोगों का गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। उधर मंडी में भी लोगों का दरअसल ये कहना है कि दरअसल मंडी में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया, लिहाजा अवैध मस्जिद को लेकर शिमला से लेकर कुल्लू तक जो सड़कों पर संग्राम है वो देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शिमला के संजौली में जो अवैध मस्जिद बनी उसके खिलाफ हमने देखा कैसे प्रोटेस्ट हुए, और अब पूरे हिमाचल में बाजार बंद का आह्वान आज किया गया था। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पर सुन्नी है, आज सुन्नी में भी प्रोटेस्ट हुआ। सुन्नी में लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो मस्जिद है उसकी जाँच होनी चाहिए, क्या वो अवैध मस्जिद तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि लव जिहाद की केसेज यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के भी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। उमेश इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पूरी मार्केट अगर आप आगे की ओर देखेंगे तो पूरी मार्केट ये सुबह यहाँ पर हमेशा दुकानें खुल जाती है। अमूमन ये जो सुन्नी का मेन बाजार है यहाँ पर आसपास के गांव के लोग भी पहुँचे, और आप देखेंगे यहाँ पर शटर लगा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, और पूरी मार्केट ये बंद है। विश्व हिंदू परिषद इसके अलावा व्यापार मंडल की तरफ से आह्वान किया गया था कि दुकानें आज बंद की जाए, और पूरे हिमाचल में आज इसी तरह से मार्केट बंद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। एक मामला शिमला से, दूसरा मंडी से सामने आया, तीसरा शिमला की सुनी से भी अब सामने आ चुका है, और अब लोग यही कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो वो अपनी आवाज़ उस तरह से बुलंद करेंगे। विजय मिश्र के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, सुनी शिमला। और देखिए इस वक्त हिमाचल में जो हिंदू संगठन है वो तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर लोगों का भी बड़ा आरोप पीडब्ल्यूडी को लेकर के है। इसके पहले भी पीडब्ल्यूडी पर बड़े आरोप लगे थे कि कैसे नियमों को ताक पर रख करके निर्माण होते रहे, अवैध निर्माणों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज क्या कुछ स्थितियां बन आई है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया, इसके बाद लोगों का गुस्सा जो फूटा है, उसकी रिपोर्ट आपको कोमल की दिखाते हैं। आप मस्जिद के ठीक आप सामने आपका दुकान है, ये मस्जिद जो है कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले बना है। जी हाँ, पहले था इसका ढांचा था, पर वो पीछे बैक साइड में था ना, पर इन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते आगे तक आ गए ना ये, और जो पीडब्ल्यूडी की लैंड है ना, जो ये इसको भी अतिक्रमण हुआ है। मतलब पहले पीछे साइड था, फिर आगे का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है जहाँ पे बनाया गया वो पीडब्ल्यूडी का लैंड है, तो कब बनाया है? ये अभी जस्ट 8-10 साल हुए इनको जो आगे बड़े हुए हैं। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कोरोना के काल के दौरान भी ये जो है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग कोरोना के कहर से डरे हुए थे, लेकिन उस दौरान ये बन जाता है। हाँ, ये भी थोड़ा थोड़ा अंदर से काम करते रहे ना। मस्जिद जो नीचे का बताते हैं कि बैक साइड है वो पुराना है, ये दो मंजिला नया बना, ये नया बना भी अभी तुरंत नया बना। मतलब इनका यही कहना है कि बाहर से लोग आते हैं और वो यहाँ पे बसे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सब्जी विक्रेता हो जाते हैं, फल विक्रेता होते हैं, रेड़ी लगाने वाले होते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब इसका नक्शा पास नहीं होता है, NOC पास नहीं होता है, लेकिन देखते ही देखते देखिए कितना बड़ा दो मंजिला इमारत ये खड़ा कर देते हैं। हालांकि जब नगर निगम आयुक्त तक कोर्ट तक ये फैसला जाता है, फैसले में वो संज्ञान लेते हैं और उसके बाद इसे तोड़ दिया जाता है, और देखिए आधा हिस्सा तोड़ दिया गया है। मुस्लिम पक्ष जो है खुद ही तोड़ने लग गया, क्योंकि देखा जैसे कि जब वो फंस रहे हैं, क्योंकि नगर निगम आयुक्त कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया, तो ये वाला हिस्सा खुद से तोड़ दिया जाता है, जैसा कल वीडियो भी सामने आ रहा था। लेकिन अब ये जो आपको एक बड़ा सा इमारत आपको नज़र आ रहा होगा जो आधा टूटा हुआ है, उसे लेकर के भी लोगों में रोष है, उसे लेकर के भी नगर निगम आयुक्त ने साफ तौर पर कह दिया है कि 30 दिन का समय है, 30 दिन के समय है, 30 दिन के अंदर इस जो अवैध मस्जिद है, इमारत है, उसे तोड़ दिया जाए। ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ाऊं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। और अब
खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आतिशबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मौके पर इस तरीके से आतिशबाजी की गई। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो तिहाड़ से लेके उनके घर तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को धुआं धुआं किया गया, यानी कि जमकर आतिशबाजी की गई। और शायद यही वजह कि पुलिस ने यहाँ पे संज्ञान लिया है। दरअसल दिल्ली में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से कल यहाँ पर आतिशबाजी हुई है, जमकर आतिशबाजी हुई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ